सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्राद्ध के बारे में। श्राद्ध जो है वो प्रारंभ हो रहे हैं 17 सितंबर से, और 17 सितंबर से प्रारंभ होकर ये 2 अक्टूबर तक चलेंगे। हम आज बात कर रहे हैं कि किस तिथि में किसका श्राद्ध करना चाहिए, आज केवल इसी बारे में बात करेंगे, क्योंकि श्राद्ध से जुड़ी हुई वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। ये जो है इस 16 दिन तक चलते हैं श्राद्ध, और इस दिन हमारे पितर जो है धरती पर किसी न किसी रूप में शिशु रूप में जो आते हैं, और ये पितरों की तिथि है, इसके स्वामी पितर देवता हैं। तो ये 16 दिन जो है साल में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, अश्विन मास में जो आते हैं। इस दिन अपने पितरों से जुड़े हुए पिंडदान श्राद्ध व तर्पण किया जाता है, ताकि हमारे जो पितर जा चुके हैं यानी मर चुके हैं जो पूर्वज हमारे, उनकी आत्मा को शांति मिल सके और वो खुश रहने का आशीर्वाद हमें दें, ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि हो, घर की तरक्की हो। अगर हमारे पितर प्रसन्न नहीं होते हैं तो फिर हमें कई तरह की नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, कई तरह की बाधाएं हमारे घर में रहती हैं, और कई कुंडलियों में हमने देखा है कि जब पितृदोष बना रहता है तो घर में बहुत तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे व्यापार ना चलना, नौकरी ना लगना, संतान ना होना या होकर मर जाना, शादी ब्याह ना होना या शादी के बाद तलाक की स्थिति बने रहना, पति पत्नी में झगड़े रहना, मतलब घर में एक कारण ही कुछ ना कुछ घटित होते रहना, तो ये सब निशानियाँ हैं पितृदोष की, जो कि बहुत सी कुंडलियों में पाई जाती है। तो पितृदोष का उपाय जो है अपने पितरों से जुड़े हुए नियमित पिंडदान श्राद्ध व तर्पण करना चाहिए, क्योंकि ये सब कार्य जब हम अपनी जो हमारे दिवंगत पितर हैं जिस तिथि को वो मरे हैं उसी तिथि में उनका श्राद्ध किया जाता है, तो इसमें जो है उनके अनुसार ब्राह्मण को भोजन, दान दक्षिणा, वस्त्र आदि दान किया जाता है, साथ ही कौवे को, चींटी को, गाय को, कुत्ते को भोजन निकाला जाता है, और देवता का भी, क्योंकि जब तक हम पिंडदान श्राद्ध तर्पण नहीं करते तो ये सब काम अधूरा रहता है और किसी न किसी रूप में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मगर हम बात कर रहे हैं तो किस दिन करें किसका श्राद्ध, जैसे जो बच्चे कुंवारे होते हैं या छोटे बच्चे या कुंवारा व्यक्ति मर जाता है उसका जो श्राद्ध है वो पंचमी तिथि को ही किया जाता है, क्योंकि पंचमी को कुंवारों का श्राद्ध किया जाता है, उसे कुंवारा पंचमी कहा जाता है। कुंवारे व्यक्ति का श्राद्ध पंचमी को होगा, चाहे वो छोटा बच्चा हो, जन्म लेने के बाद मर गया हो, या शादी जिसकी ना हुई हो, वो भी, वो सब कुंवारे होते हैं, उनका श्राद्ध केवल पंचमी तिथि में किया जाता है। और नवमी तिथि में सुहागन स्त्री का होता है, यानी जो सौभाग्यवती स्त्री है जिसका पति जिंदा है, वो स्त्री अगर पति से पहले मर गई है यानी सुहागन स्त्री, तो उसका श्राद्ध जो है नवमी तिथि में किया जाता है। और द्वादशी तिथि को जो है सन्यासी व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है, यानी जिसने संन्यास ले रखा हो, शादी ना करवाई हो, जो संन्यास के नियम को पालन करता हो और पूर्णतः संन्यास, तो सन्यासी, उस सन्यासी व्यक्ति का श्राद्ध द्वादशी किया जाता है। और चतुर्दशी तिथि में जो व्यक्ति अकाल मृत्यु मर गया हो, यानी जो अकाल मृत्यु मर जाते हैं, जैसे किसी जहर खा के, एक्सीडेंट से, पानी में डूब के, इसे बोलते हैं अकाल मृत्यु, जिनकी मृत्यु ना आई हो वो अकारण ही मर गए हो, तो अकाल मृत्यु वाले व्यक्ति का श्राद्ध जो है आप चतुर्दशी तिथि, यानी कि अमावस्या से एक दिन पहले जो होती है, 14 बोलते हैं जिसे, उसे बोलते हैं चतुर्दशी तिथि, उस दिन अकाल मृत्यु वाले व्यक्तियों का श्राद्ध किया जाता है। और जिसकी आपको तिथि मालूम नहीं है, यानी कि आपको नहीं पता कि आपका व्यक्ति किस दिन मरा, कौन सी तिथि मरा, तो उन सभी का श्राद्ध जो है आप अमावस्या, यानी कि जो महालय अमावस्या होती है, जो कि अब की बार 2 अक्टूबर को पड़ेगी, उस दिन किया जाता है। यानी जो पितर आपके मर गए हैं उनकी तिथि आपको मालूम नहीं है, तो उन सब का श्राद्ध जो है आप केवल
अमावस्या जो पितरों की विदाई तिथि होती है, आखिरी दिन होता है, अमावस्या वाले दिन ही करना चाहिए। तो ये जो 16 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, इन 16 दिनों में व्यक्ति को बहुत शुद्ध भोजन करना चाहिए, किसी प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण ना करें। इस दौरान गाय की सेवा करें, पीपल के वृक्ष पर तेल का दीवा जलाएं, दान दक्षिणा करें, जानवर आदि पशु पक्षियों की सेवा करें, उन्हें भोजन कराएं, इससे आपके पितरों को प्रसन्न हो और आपके पितरों जो जब यहाँ से जाए ऊपर वापस अपने लोक में तो वो खुश रहें और आपको प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दे के जाएँ। क्योंकि जब पितर आशीर्वाद देते हैं तो व्यक्ति के आने वाले कार्यों की बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसे सभी बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। तो ये था पितरों की तिथि के बारे में जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।